मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है, इतनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं और रेट भी काफी रिजनेबल है। पहचाना, जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना, सूट यहीं से लेना वरना घोड़ी हिनहिनाएगी, और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाकी। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हूं खबरें वाली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों की बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जबकि अधिकारी बदतमीजी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। डॉक्टर मोहन यादव पहली बार अधिकारियों के मामले में तब सख्त दिखे थे जब उन्होंने एक जिले के कलेक्टर को ट्रक ड्राइवर से बदतमीजी करने के बाद ही तुरंत हटा दिया था। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास जिले की सोनकच्छ की तहसीलदार को भी बदतमीजी करने के कारण सोनकच्छ से जिला मुख्यालय में अटैच कर दिया। निश्चित तौर पर डॉक्टर यादव के इस कदम से आम जनता के बीच एक अच्छा संदेश जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आम जनता के मुख्यमंत्री है। यदि आम जनता से किसी अधिकारी ने बदतमीजी की तो उसकी खैर नहीं। अब तक तो दो लोगों को डॉक्टर मोहन यादव लाइन अटैच कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर देवास जिले के सोनकच्छ तहसीलदार अंजलि गुप्ता के वायरल हो रहे वीडियो को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत संज्ञान में लिया। प्रदेश की जनता को यह बताने की कोशिश की कि अधिकारियों की इस तरीके की बदतमीजी नहीं चलेगी। इसके पहले सुजानपुर जिले में ड्राइवर से औकात पूछने वाले कलेक्टर को डॉक्टर मोहन यादव ने लाइन अटैच कर दिया था, जिले से हटाकर मुख्यालय बुला लिया। सोनकच्छ तहसील की तहसीलदार ग्रामीणों पर हाइपर होती नजर आ रही है और ग्रामीण युवाओं को चूजे शब्द से संबोधित कर रही है। एक तहसीलदार जिस तरीके से चिल्ला रही थी उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागल महिला अपने पागलपन का प्रदर्शन कर रही है। चूजे ये अंडे से निकले नहीं कि बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। अरे साहब, हम तो करा, आप बच्चा है, हमें मने ये कि आप बोल के यही कि तू जा चला चला चलो चला। कल भी तो बात हुई थी, आराम से तो करी थी हम वहाँ। अरे आज भी आराम से कर दिए, तो आज कैसे इसने बोल दिया? चलो ठने खुद मैं पहले मांगते वालों कैसे बोल दिया? अरे नहीं बोला मेरा, मैं हूँ एमपी मीडिया से, मैं हूँ क्या, मैं कौन हूँ, मैं तहसीलदार हूँ। अरे साहब, हम तो प्रोजेक्ट है, शासन का प्रोजेक्ट है। शासन ने किसको, किसने चुना शासन को, सरकार को, आप लोगों ने चुना? अरे नहीं साहब, मैंने चुना क्या? मैंने बोला एमपी मीडिया को कि घमे लगाओ यहाँ पे, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ? अरे साहब, हम तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन कर रहा, आपकी मर्जी हो शब्द पढ़ ली अंग्रेजी बल में, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अरे साहब, हम तो हिंदी का नहीं, लेकिन हम तो ग्वाल लोग हैं। अरे बैठ जाओ, खेती करने वाला लोग हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर देवास जिले के सोनकच्छ तहसीलदार के वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अधिकारी आम लोगों के साथ सभ्य और शालीन भाषा का इस्तेमाल करें, इस तरीके की अभद्र भाषा बिल्कुल भी मध्य प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे निर्देश के बाद कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को जिला मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है। सोनकच्छ की तहसीलदार अंजलि गुप्ता ने किसानों से बदसलूकी करते हुए कहा कि ये चूजे हैं, अंडे से निकले नहीं कि बड़ी बड़ी मरने मारने की बातें करते हैं। उधर वीडियो में कुछ किसान कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, हम आराम से बात कर रहे हैं। इधर तहसीलदार ऊंची आवाज में बोल रही है कि आराम से बात कर रहे थे तो इसने मुझे कैसे बोला कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। फिलहाल तहसीलदार के विरुद्ध मुख्यमंत्री ने
जिस तरीके से एक्शन लिया है उससे अधिकारियों के बीच एक संदेश तो चला ही गया कि मुख्यमंत्री अधिकारियों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।